आप लोग एक्चुअल सेवेंथ स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हो, ठीक है। सेवेंथ स्टैंडर्ड में आपने सेगमेंट के बारे में स्टडी किया था कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड पे पॉइंट्स है उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। रे आप स्टडी कर चुके हो। एक ऐसी लाइन जिसके एक साइड पे पॉइंट है और दूसरे साइड पे एरो है उसे रे कहते हैं। लाइन जिसके दोनों साइड पे एरो है उसे लाइन कहते हैं। एंगल जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एंगल। ओके क्लियर। ये सारा आपका टॉपिक आप अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे एंगल्स के दो टाइप में विचार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ऐसे एंगल्स जिनका एडिशन, जिनका सम 90 डिग्री है, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। टू एंगल्स हूज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हूज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ओके इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहो, मान लीजिए एक एंगल है आपका 42 डिग्री, तो अगला एंगल हो जाएगा 48 डिग्री, क्योंकि 42 और 48 इनका अगर हम एडिशन करते हैं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री। मान लीजिए एक एंगल है 83 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? सेवन डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? सेवन डिग्री। ओके क्लियर। इफ यू टेक वन एंगल एज 50 डिग्री देन व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 40 डिग्री। ओके 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 40 डिग्री। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके अब ऐसे ही आपका अगला है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब एडिशन अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल, एडिशन 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके क्लियर। अब मान लीजिए अगर एक एंगल 100 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा? 80 डिग्री। एंड सपोज वन एंगल इज 15 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 15 डिग्री अगर एंगल है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 165 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे 15 डिग्री और 165 डिग्री, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। ओके क्लियर। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री कौन से और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, ठीक है, हम किन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे किन एंगल्स को सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसे याद रखने का बहुत ही सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 90 है और सप्लीमेंट्री मतलब जिनका एडिशन 180 है। 90 और 180 में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? छोटा 90 और बड़ा 180 है, ठीक है। अब अल्फाबेट में सी पहले आता है कि एस पहले आता है? इंग्लिश अल्फाबेट में सी पहले आता है कि एस पहले आता है?
पहले आता है, ठीक है। बस यही इसका फंडा है। जब आप नंबर्स में आओगे तो 90 पहले आएगा और अल्फाबेट्स में सी पहले आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री 90 के लिए है, ठीक है। और नंबर्स में 180 बाद में आता है और अल्फाबेट में एस बाद में आता है, ठीक है। तो 180 के लिए सप्लीमेंट्री, आप इस तरह से याद रखो, आपको याद रहेगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री मीन्स एडिशन 180, अल्फाबेट में एस बाद में आता है और 180 बड़ा है वो बाद में आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम इज 90 डिग्री, अल्फाबेट में सी पहले आता है और एडिशन में नंबर्स में 90 डिग्री वो 180 से पहले आता है, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक और बात याद रखिए, लास्ट ईयर जो हमने स्टडी किया था, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल, दिस इज द एंगल, ओके। इस एंगल में ये जो है इसे कहा जाता है वर्टेक्स, मतलब एंगल बनाने के लिए जो दो लाइंस या दो रेज लगते हैं वो जहां पे मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करो, पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस हो रहा है काफी। ओके वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहा जाता है और ये जो दो है इन्हें कहा जाता है आर्म, दिस इज आर्म एंड दिस इज अनदर आर्म, ओके। इन्हें कहा जाता है आर्म, ARM। आर्म का मतलब क्या होता है, हाथ, ओके। आर्म को हाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वर्टेक्स एंड दीज आर आर्म्स, ARM, ओके। लोअर आर्म, अपर आर्म, आप जैसे भी कह सकते हो, बट सिंपली आर्म कहा तो भी चलेगा, ओके, क्लियर। तो दिस इज अबाउट एंगल्स। अब एंगल में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंगल्स में फिर एडजेसेंट एंगल्स, ओके, क्लियर। ये समझ में आ गया, एनी डाउट इन दिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल, द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल, कहिए कहिए कहिए, किसी ने बुलाया सर बोल के, कहिए, कोई डाउट है, क्या हो रहा है बेटा? मैंने पहले ही क्लियर कहा हुआ है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, अभी वॉइस आ रहा है तो उसे समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, और ये जो वॉइस और ये क्लैरिटी है ना, ये सब नेटवर्क इश्यूज है बेटा, ये सारे नेटवर्क इश्यूज है। किसी दिन ऐसा होगा नेटवर्क इतना अच्छा होगा कि जब आप वीडियो क्लास देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी किसी दिन जब नेटवर्क डाउन हो जाता है ना तो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, ठीक है। बाकी इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। नाउ कम टू दिस एडजेसेंट एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीनिंग क्या है, एक एक मीनिंग किसी ने बताया है, ठीक है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है साथ में, बगल में, द नेक्स्ट वन, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एडजस्टमेंट, विच आर टुगेदर, विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर,
ठीक है, उन्हें एडजस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम स्कूल में ये डिसाइड करें कि जो बच्चों को हम बिठाएंगे वो रोल नंबर वाइज बिठाएंगे, ठीक है, तो रोल नंबर 1 के साथ रोल नंबर 2 बैठेगा, तो ये रोल नंबर 1 और 2 जो एक साथ बैठे इन्हें कहा जाएगा एडजस्टेंट। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा? एडजस्टेंट। ठीक है, क्लोज टू समथिंग, ये एडजस्टेंट है। अब वैसे ही एडजस्टेड एंगल, ओके, तो एडजस्टेड एंगल्स क्या रहेंगे? ये देखिए, ये है डायग्राम्स ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स। ठीक है, इसमें एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये मान लीजिए एक से ये वाई है, ये ओ, इसे आप चाहो तो नाम दे दो ए, इसे नाम दे दो बी और इसे नाम दे दो सी। ठीक है, तो ये एंगल्स एडजस्टेड एंगल्स है। देन यू कैन हैव दिस एग्जांपल आल्सो। दीज टू एंगल्स आर एडजस्टेड एंगल्स, ओके, दीज टू एंगल्स आर एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी एडजस्टेड एंगल्स है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर एडजस्टेड एंगल्स, ओके, दीज आर एडजस्टेड एंगल्स। अब एडजस्टेड एंगल्स होती क्या है? द टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजस्टेड इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ये जो एंगल एक्स है इसका वर्टेक्स ओ है, जो एंगल वाई है इसका वर्टेक्स भी ओ है। जैसे भी आप अगर नाम दे दो, सपोज ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा, चलो अल्फा आपको पता नहीं है अभी, ये सपोज स्मॉल एम है और स्मॉल एन है। ठीक है, तो इस एंगल ए और बी के लिए भी वर्टेक्स कॉमन है ओ, इन एंगल एम और एन के लिए भी वर्टेक्स कॉमन है ओ। ठीक है, तो एडजस्टेड एंगल्स क्या रहते हैं? ऐसे एंगल्स जिनमें वर्टेक्स कॉमन है, पहली बात। दूसरी बात, एक आर्म कॉमन है। ये एंगल जो है, ये एंगल ए ओ बी होगा, तो इसका एक आर्म ओ बी है, और ये जो है इसमें भी एक आर्म ओ बी है। सेम यार, हियर द वन आर्म इज ओ एल एंड हियर ऑल्सो वन आर्म इज ओ क्यू, ओके, क्लियर। तो उनको एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, ठीक है। और थर्ड, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स मतलब इसमें नॉन कॉमन में ओ ए और ओ सी है, इसमें नॉन कॉमन में ओ के और ओ एम है, और इसमें ओ पी और ओ आर है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे आर ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड पे, आइदर साइड मतलब एक एक साइड पे होगा तो दूसरा दूसरे साइड पे, ओके, दोनों सेम साइड पे नहीं आएंगे। ठीक है, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, तो ये होते हैं एडजस्टेड एंगल्स। ठीक है, तीन बातें देखनी पड़ती है एडजस्टेड एंगल्स में। पहली बात, कॉमन वर्टेक्स, दूसरी बात एक कॉमन आर्म, ठीक है, और तीसरी बात जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये कॉमन आर्म के आइदर साइड्स पे रहेंगे, अलग अलग साइड्स पे रहेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस एडजस्टेड एंगल्स, कम टू पेज नंबर 97, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 पे आ जाइए, इस तरह का डायग्राम्स और ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें यहां पे जो दिया हुआ है, यहां पे आपको एडजस्टेड एंगल की डेफिनेशन और ये दिए हुए हैं, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पेज नंबर 97 पे फिगर 5.8 जहां पे लिखा है उसके नीचे, एट बोथ द वर्टिसेस ए एंड बी वी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर, दीज एंगल्स आर सच दैट, पहला है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, सच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ओके। उसके आगे, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट, ओके, कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स भी नहीं रहेंगे। जैसे इसका इंटीरियर पॉइंट ये है और इस एंगल में इंटीरियर पॉइंट ये है, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा और यहाँ का पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ओके, क्लियर। तो ये आपको नोट डाउन करना है, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, और साइड में आप चाहो तो इस तरह के डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके। देन अब सबसे पहले बताओ, इसमें कोई डाउट?
एनी डाउट इन दिस? ओके, सो नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर क्या होता है? सही, ये है लीनियर पेयर का डायग्राम. किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज. ये लीनियर पेयर है, ठीक है. तीन डिफरेंट टाइप के डायग्राम दिखाए गए हैं, इन तीनों डायग्राम में लीनियर पेयर है. ये सपोज आपका पी क्यू आर, ये सपोज के वी एस, ये ए आर एम. क्लियर? ये है डायग्राम्स. इन सारे डायग्राम्स में लीनियर पेयर दिखाया गया है, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या यहाँ पे एंगल ए बी, फिर यहाँ पे 90-90 एंगल और यहाँ पे एक्स वाई, क्या ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल है? आर दिस एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स? ओके, दैट्स गुड. ये सारे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है. तो फिर इन्हें लीनियर पेयर क्यों कहा जा रहा है? कोई एक खास बात इनमें है, वो खास बात क्या है? हाँ, ओके ओके, ठीक है. आप लोग का आंसर सही है. प्रीवियस डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था एडजेसेंट एंगल के लिए वो ऐसा था, तो इसमें ये एडजेसेंट एंगल्स थे, लेकिन इन दोनों एंगल्स को यदि आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये 180 नहीं होगा, ठीक है. क्लियर? लेकिन ये जितने लीनियर पैर वाले डायग्राम है, ये सारे एडजेसेंट एंगल्स तो है ही, लेकिन इनको ऐड करने के बाद, आफ्टर एडिंग दीस, ओके, व्हाट यू गेट, ये 180 देते हैं, ठीक है. इनमें एक खास बात ये है, ठीक है. दूसरी खास बात क्या है वो सुनिए. एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन रिकॉल कीजिए. कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स है. कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म है, ठीक है. जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? नॉन कॉमन आर्म मस्ट बी ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है. वो बात यहां पे है, लेकिन एक खास बात जो ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट है. ये देखिए, ये वाला एंगल अगर हम कंसीडर करें तो इसका आर्म ओके, और ये एंगल कंसीडर करें इसका आर्म ओएस. ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. यहां पे भी ऐसा ही है और यहां पे भी ऐसा ही है, ठीक है. ओए उस डायरेक्शन में जा रहा है, ओएम इस डायरेक्शन में, ओपी इस डायरेक्शन में और ओआर इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो लीनियर पेयर का डेफिनेशन क्या है? लीनियर पेयर आर द एडजेसेंट एंगल्स इन विच नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स. नॉन कॉमन आर्म सीधे सीधे अपोजिट साइड्स पर रहेंगे, ठीक है. अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आरपी जो है ये एक लाइन है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एस के जो है वो एक लाइन है? क्या हम ये कह सकते हैं कि एम ए जो है वो एक लाइन है? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं. ये लीजिए, ये है एस के, ये है,
ओके नाउ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ये देखिए, ये है एस के, ये सीधे सीधे एक लाइन बना रहा है, वैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं। ये है एम ए, ये भी सीधे सीधे एक लाइन बना रहा है, क्लियर। तो ये लाइंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लाइंस फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो नॉन कॉमन वर्टेक्स है दे आर ऑन द अपोजिट साइड, ओके, एंड दे फॉर्म अ लाइन, ओके। इसीलिए इसका नाम लीनियर पैर रखा हुआ है। पैर का मतलब होता है जोड़ी, तो ये देखिए एंगल्स की जोड़ी, ठीक है, एंगल्स की जोड़ी और एक ही लाइन पे। लीनियर वर्ड में देखो लाइन वर्ड आ रहा है, LINE, ओके। उसमें नाम क्या आ रहा है, LINE, लाइन। इसका मतलब है कि जोड़ी बन रही है एंगल्स की, और वो एंगल्स की जोड़ी कहाँ बन रही है, एक ही लाइन पे। और वो कैसे बन रही है, बस बीच में एक लाइन लगा दो भाई। ये एक पूरी लाइन थी, बीच में एक लाइन लगा दी, वैसे ये पूरी एक लाइन थी, बीच में एक लाइन लगा दी, वैसे ये पूरी लाइन है, बीच में एक हमने लाइन लगा दी, ओके। इसलिए ये लीनियर पैर नाम दिया गया है, ठीक है। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन इन विच द नॉन कॉमन वर्टाइसेस आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द आर ऑन द अपोजिट, सिंपली इतना कह सकते हो। अब दूसरी और बात जो आपने पहले बताई थी, लीनियर पैर में हमेशा एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आएगा। मीन्स एक बात याद रखिए, ये नोट, पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, नोट, लीनियर पैर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज सम इज 180 डिग्री। लीनियर पैर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज सम इज 180 डिग्री, दैट इज सम इज 180 डिग्री। लीनियर पैर में हमेशा जो एंगल्स बनेंगे ना, उनका एडिशन हमेशा 180 डिग्री रहेगा, मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पैर। यस, एनी डाउट इन दिस, कोई भी डाउट? ओके ओके, अब ये बताइए, ये ठीक है, ये बताइए आप लोग, या आपके घर में कोई भी अचार खाते हैं? डू यू हैव पिकल्स? ओके, पिकल्स घर पे बनाते हैं? पिकल्स घर पे बनाते हैं? ओके ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। अगर आप पिकल्स घर पे बनाते हैं, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ, माइक बंद कीजिए, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए, अभी भी किसी का माइक ऑन है। अगर आप पिकल्स खाते हो, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जरूर गए होंगे, जहां पे कच्ची कैरी, रॉ मैंगोज जो है वो कट करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो कट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, आपने उस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट लीनियर, सुन लीजिए, कोई भी बीच में प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, सुन लीजिए, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, माइक बंद रखिए। वो जो कच्ची कैरियां हैं, मीन्स रॉ मैंगोज हैं, उनको कट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट लीनियर पैर का ही कॉन्सेप्ट है। ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कच्ची कैरिया कट की जाती है, रॉ मैंगोज जिससे कट किए जाते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, और ये किस पे वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर पैर। और ये देखिए, ये पेन स्टैंड का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेन स्टैंड में भी ये लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है, ओके, क्लियर। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब देखिए, जब दो लाइंस आपस में टकराते हैं तो टोटल चार एंगल्स बनते हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, सपोज ये लाइन है जे के और ये लाइन है एल एम। ये आपस में जब टकराएंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। ठीक है, अब ऐसे केस में चार एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स और ये एंगल। ठीक है, इस तरह से चार एंगल्स बनते हैं। अब ये चार एंगल्स हैं, इन चार एंगल्स में ये दो एंगल्स जो हैं, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, मतलब आप कह सकते हो एंगल एल ओ के, ये एंगल का सिंबल है एल ओ के, और फिर नीचे का एंगल एंगल एम ओ जे। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। फिर ये एंगल और ये एंगल, दोनों साइड वाले एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आप कह सकते हो एंगल एल ओ जे, एंगल एल ओ जे, और ये एंगल एम ओ के, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है, दीज आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, मीन्स ये साइड का एंगल इस साइड के एंगल को इक्वल आएगा। ठीक है, और ये ऊपर का एंगल नीचे के एंगल को इक्वल आएगा। ओके, सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वो है सिजर्स, कैची। उसे जब आप ओपन करते हो, ठीक है, तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड एंगल बनता है, तो वो जो एंगल बनता है इन दोनों साइड से, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? और इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा, सीजर्स, कैची। ठीक है, कैची को जब ओपन करती है तो जहां से वो मूव करती है उसके चारों तरफ एंगल बनते हैं, इस साइड और इस साइड का एंगल वर्टिकल अपोजिट है, वो इक्वल है, ऊपर और नीचे का एंगल वर्टिकल अपोजिट है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल। यस, एनी डाउट इन दिस? चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, नाउ वी मूव टू आर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज 5.1, पहला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनिए और मैं जिसका नाम बोलूंगा सिर्फ वही उसका आंसर देगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वेट अ मिनट, पहले मुझे चेक करने दो, सॉरी मोबाइल हैंग हो गया। ओके, पहले मुझे चेक करने दो। अमित, अमित प्रेजेंट है ना? अमित मुझे पहले का आंसर बताओ, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। पहला एंगल आपको दिया है 20 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, आई लॉस्ट द कनेक्शन। नो डॉक, नो डॉकिंग, माइक बंद कर दीजिए। सब लोग माइक बंद कर दीजिए प्लीज, माइक बंद कर दीजिए।
सॉरी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अमित, पहला है 20, 20 का मुझे सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। अमित आप प्रेजेंट हो? 70, ओके। ये दो अमित कैसे हो गए? क्लास में तो एक ही अमित है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, पीछे देखिए 102 पेज पे, पेज नंबर 102। अब वहां पे दिया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ओके, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। शुभम, शुभम इसमें थर्ड का आंसर बताओ, 154 डिग्री। वन जीरो टू पेज पे क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। उसका थर्ड 154 डिग्री दिया है, उसका सप्लीमेंट बताइए। हाँ, टेक योर टाइम। ट्वेंटी सिक्स डिग्री, करेक्ट आंसर इज करेक्ट, 26 डिग्री। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। निधि, निधि आर यू प्रेजेंट? ओके निधि, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। क्वेश्चन थ्री में दिया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे छह प्रॉब्लम्स दिए हैं क्वेश्चन थ्री में, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो मुझे पहले का आंसर बताइए, 65 डिग्री और 115 डिग्री। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा, इस वक्त किसका माइक ऑन है? मैंने निधि को बोला है, निधि का माइक ऑन है। देखिए सिर्फ निधि माइक ऑन रखेगी, बाकी सब माइक बंद कर दीजिए प्लीज, एक निधि का माइक ओपन रहेगा बस। निधि, क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज 102, टेक्स्ट बुक है बेटा आपके पास? ओके, उसमें क्वेश्चन है, आपको छह प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है। मुझे आप पहले का आंसर बताइए, 65 डिग्री और 115 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट अब कौन आएगा? स्नेहा प्रवीण, स्नेहा टेक्स्ट बुक है बेटा आपके पास? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो लास्ट है, सिक्स्थ, 80 डिग्री और 10 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट। ओके, इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो आपके नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू का जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो क्लास वर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और सिक्स, ये भी क्लास वर्क में करना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर फाइव तक। क्वेश्चन फोर है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, और फिफ्थ है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट।